हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि लकड़ी के ऊपर, प्लाईवुड के ऊपर बड़ी टाइल कैसे चिपकाई जाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा LCD पैनल है और इसके ऊपर हमने 8x4 की बड़ी टाइल चिपकानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, LCD पैनल के साइज़ के हिसाब से टाइल की कटिंग कर लेनी है और टाइल कटिंग करने के बाद हमें इसे LCD पैनल के ऊपर रख कर देखना है। तो दोस्तों, जो अगला स्टेप है वो है हमारा, हम इस टाइल को किस केमिकल से चिपकाएं। वैसे तो हम मार्बल टू मार्बल चिपकाने के लिए एयरलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगर या कोई छोटा टाइल का पीस लकड़ी के ऊपर चिपकाना है तो उसके लिए भी हम एयरलाइट का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। पर दोस्तों, ये टाइल हमारी बड़ी है तो इसलिए हम इस माइक लैटिक्रेट कंपनी के केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो ये दोनों का काम और प्रोसीजर दोनों का सेम ही है, पर क्या होता है कि जो एयरलाइट का मेन काम होता है वो होता है मार्बल से मार्बल को चिपकाना। पर हमें यहाँ पर प्लाईवुड के ऊपर टाइल को चिपकाना है तो इसलिए हम इस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, हमने इन केमिकल की बाल्टी को खोला है तो इसमें दो पार्ट निकले हैं। एक पार्ट इसका डिज़ाइन का है और एक पार्ट इसका हार्डनर का है। तो हमें दोनों को इसकी रेशियो के अनुसार मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसको टाइल के ऊपर 2 से 3 mm तक इसकी लेयर बना लेनी है और दोबारा फिर प्लाईवुड के ऊपर भी 2 से 3 mm तक इसकी लेयर बना लेनी है। दोस्तों, अगर आप मिस्त्री हो तो आपको पता ही होगा कि सर्दियों के मौसम में हमारी जो एयरलाइट होती है वो हार्ड हो जाती है और जो गर्मियों में वो लूज़ रहती है। इस केमिकल का भी सेम यही सिचुएशन रहती है, सर्दियों में ये हार्ड हो जाता है और गर्मियों में लूज़ रहता है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस टाइम सर्दी का मौसम है तो ये हार्ड हो चुका है, तो इस वजह से हम इसे प्रॉपर तरीके से बिल्कुल पतली लेयर नहीं लगा सकते, इसलिए हमें 2 से 3 mm तक इसकी मोटी लेयर लगानी है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको इस केमिकल को अपनी टाइल के ऊपर भी अच्छे से लगा लेना है और प्लाई के ऊपर भी अच्छे से लगा लेना है। सर्दी के मौसम में दोस्तों, आप इसे फेविकोल की तरह बिल्कुल पतला पतला नहीं लगा सकते हैं, ये हार्ड होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ी जगह गैप देकर, डिस्टेंस देकर 2-3 mm मोटी लेयर लगा देनी है। दोस्तों, केमिकल लगाने के बाद हमें इसके ऊपर जो हमने टाइल के पीस कटिंग कर रखे हैं वो लगाने हैं और उन्हें लगाने के साथ साथ उन्हें अच्छे से प्रेस भी कर देना है। दोस्तों, प्रेस करने के बाद हमें इसके ऊपर लकड़ी से पैकिंग दे देनी है ताकि ये बाहर ना आए, क्योंकि इसके फिक्स होने का टाइम लमसम 12 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, प्लाईवुड के ऊपर टाइल लगाना बिल्कुल ही एक सिंपल प्रोसीजर है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।